आखिर सिर्फ 8 दिनों में 27 लाख की बिरयानी कर गए हजम, अब पाकिस्तान परेशान है। लेकिन किसने लगाया इनको इतना बड़ा चूना, जानेंगे वीडियो में। और भारत का एक ऐसा गांव जहां अब तक नेटवर्क की बिल्कुल भी सुविधा नहीं आई है, और ऐसी क्या वजह है कि ये किसान अपने 40 एकड़ की बड़ी जमीन पर खेती नहीं करता। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके फेवरेट टीवी चैनल्स आखिर पैसा कैसे छापते हैं? जानना है इन सभी सवालों का जवाब तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, पाकिस्तान में सिर्फ 8 दिनों में कैसे और किसने 27 लाख की बिरयानी सफा चट कर दी। ये बात है तब की जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करने वाली थी, लेकिन कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से दोनों टीमों को पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करना पड़ा। इसी बीच इन दोनों टीम्स की सुरक्षा करने वाले पुलिस और गार्ड्स ने सिर्फ 8 दिनों में 27 लाख की बिरयानी चट कर दी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब खाने के बिल को पास कराने के लिए पाकिस्तान के फाइनेंस विभाग भेजा गया। जब फाइनेंस विभाग के कर्मचारियों ने 27 लाख का बिल देखा तो उनके भी पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। उन्होंने तो उस बिल को वहीं पर इन्वेस्टिगेशन के लिए रुकवा दिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर बिल भरे तो भरे किसकी जेब से। लेकिन दोस्तों, जिन जिन के भी पेट में बिरयानी गई वो तो बेटे मौज कर दी। नंबर 2, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे कामों के बारे में आपने जरूर पता होना चाहिए। मिलिए तमिलनाडु के पुडुपलायम के रहने वाले किसान आर गुरुस्वामी से, जो पिछले 20 सालों से अपने खेत के आसपास के हिरणों को बचाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बड़ी सी 45 एकड़ की जमीन पर पिछले 20 सालों से सिर्फ इसलिए खेती नहीं की ताकि वहां आने जाने वाले हिरणों को कोई तकलीफ न हो, उन्होंने वो जमीन हिरणों के चरने के लिए छोड़ दी। स्थानीय वन विभाग के डेटा के मुताबिक आर गुरुस्वामी जी के पिछले 20 सालों के छोटे योगदान की वजह से वहाँ हिरणों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। गुरुस्वामी का कहना है कि उनकी जमीन अब हिरणों का घर बन चुकी है। उनकी जमीन पर गाय, बकरी और हिरण एक साथ चरते हैं। गर्मियों के समय में गुरुस्वामी ने अपनी जमीन पर हिरणों के लिए एक बड़ा जल कुंड भी बनवा दिया है, और इस इलाके में कोई मांसाहारी जानवर यानी कि शेर, चीता या कोई और शिकारी जानवर भी नहीं, जिसकी वजह से भी हिरणों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, इस महान व्यक्ति के लिए एक लाइक जरूर करें। नंबर 3, मोबाइल में नेटवर्क न मिलने पर लोग क्या क्या कर जाते हैं, इससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह रोज 2 से 3 घंटे 50 फीट ऊंचे झूले पर क्यों बीतते हैं, शायद आपने गैस कर लिया होगा। यस, आपने सही सोचा। वो जहां पर रहते हैं वहां पर उन्हें मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, और इसीलिए उन्हें रोज इम्पोर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करने के लिए 2 से 3 घंटे झूले पर बिताने पड़ते हैं। सोचो, अगर मंत्री की ऐसी हालत है तो वहां के लोगों की क्या हालत होगी। नंबर 4, ये बात है ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रिस्बेन शहर की, जहां एक लड़के को सिर्फ इसलिए फुटबॉल मैच खेलने से रोका गया क्योंकि उस लड़के के गले में तुलसी की माला थी। एक फुटबॉल मैच के दौरान शुभ को रेफरी ने माला उतारने के लिए कहा, लेकिन शुभ ने रेफरी को ये जवाब दिया कि सिर्फ एक फुटबॉल मैच के बजाय मैं अपने धर्म का पालन करना चाहूंगा। असल में फुटबॉल के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजर फीफा के रूल्स के हिसाब से मैच के दौरान नेकलेस, रिंग, ब्रेसलेट, इयररिंग्स वगैरह पहनना मना है, लेकिन इन रूल्स में कहीं भी तुलसी की माला का जिक्र नहीं, जिस वजह से रेफरी का शुभ को तुलसी की माला उतारने के लिए कहना गलत था। लेकिन जब ये बात ऑस्ट्रेलिया के मीडिया तक पहुंची तो रेफरी को भी अपनी गलती माननी पड़ी, और फिर शुभ को तुलसी माला पहनकर फुटबॉल खेलने की इजाजत मिल गई। नंबर 5, एक आदमी 4 साल पहले यानी कि 2017 में 13 साल के बच्चे करके सऊदी अरब भाग गया। पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने के बावजूद उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन किसी मूवी की हीरोइन की तरह एक फीमेल IPS ऑफिसर ने उस आदमी को सऊदी में जाकर दबोच लिया। ये बात है केरल के कोलमपुर की। यहाँ 2017 में सुनील कुमार नाम का एक आदमी छुट्टियां मनाने आया। इसी दौरान उसने एक बच्चे के साथ कई दिनों किया। जब बच्चे के घर वालों को ये बात पता चली तब तक सुनील सऊदी अरब भाग गया। लेकिन जहाँ ये बात IPS ऑफिसर मैरिन जोसेफ को पता चली तो उन्होंने सीधे सऊदी अरब की पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिससे कि सऊदी अरब की पुलिस ने सुनील को एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया। उसके बाद मैरिन जोसेफ ने बिना किसी को इन्फॉर्मेशन किए उसे सऊदी अरब से घसीट कर इंडिया के जेल में पटक दिया। नंबर 6, इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया रहस्यमय चीजों से भरी हुई है। इस पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आधी नदी एक छोटे से गड्ढे में समा जाती है। अमेरिका के ब्रूल नदी के ठीक नीचे ये छोटा सा गड्ढा है, वो रहस्यमय जगह है। इस गड्ढे के अंदर ब्रूल नदी का पानी जाता तो है, तो रहस्यमय बात यह है कि इस गड्ढे के अंदर जाने वाली कोई भी चीज आज तक कभी वापस बाहर नहीं आई। इस गड्ढे का नाम भी इसी तरीके का है, इसका नाम है डेविल्स कैटल। कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये समझने में असफल है कि आखिर इस गड्ढे के अंदर जाने वाला पानी आखिर जाता कहाँ है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो शायद आप इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक है। नंबर 7, दोस्तों,
अगर हम आपसे कहें कि 3 बार ताली बजाने पर पानी बरसता है तो क्या आप हम पर विश्वास करेंगे? अगर नहीं तो देखिए इस बरसो पानी नाम की गुफा को। ये गुफा झारखंड के रामगढ़ में स्थित है। वैसे सुनने में तो ये सामान्य सी बात है कि ताली बजाने से पूरे गुफा में वाइब्रेशन होने लगता होगा और जो भी पानी की बूंदें गुफा की छत पे चिपकी होती होंगी वो नीचे गिर जाती होंगी। लेकिन रहस्यमयी बात तो ये है कि आखिर साल के 365 के 365 दिन इस गुफा के छत पे पानी आता कहां से है? नंबर 8, कलर्स, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स और ऐसे ही सारे के सारे टीवी चैनल्स आखिर पैसा कैसे कमाते हैं? आपके दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आता होगा। तो इनका लगभग सारा का सारा इनकम एडवर्टीजमेंट से आता है। किसी भी सीरियल या एपिसोड्स के बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उन एडवर्टीजमेंट्स के लिए टीवी चैनल्स कंपनियों से लाखों रुपए लेती है। जिन चैनल्स की टीआरपी ज्यादा होती है कंपनियां उन चैनल्स पर अपने प्रोडक्ट्स का एड दिखाने के लिए बाकी किसी भी नॉर्मल चैनल से ज्यादा पैसे देती है। अगर आप अपना खुद का टीवी चैनल स्टार्ट करके एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए तो जरूर होने चाहिए टीवी चैनल ओपन करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।